अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है वो है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी तकनीक जो हम यूज़ करते हैं उसके कोई ना कोई एडवांटेजेस भी होते हैं और कोई ना कोई उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है जी, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसको हम डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है जी, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी हम इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, कि ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए हमें एक हाई कॉस्ट जो है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जैसे कि आपके पास अगर आप एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है या किसी कोई इंस्टीट्यूट है उसका सिस्टम है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि आपको हाई कॉस्ट चाहिए हो, हाई कॉस्ट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो उस पूरे के पूरे सिस्टम को कैच कर सके, उस पूरे के पूरे सिस्टम को मतलब चला सके। ठीक है जी, तो इस तरह का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बुक का पेज नंबर 14 है, अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसलिए आपके पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर बहुत सी आपके पास जब क्योंकि देखिए ना, शुरू में तो आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं लेकिन विद द इंटरवल ऑफ टाइम आप उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं, उसके अंदर नई अपडेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो कॉस्ट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़्यादा हो जाती है। क्लियर हो गई बात। नंबर दो पे अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है उसके लिए कोई ना कोई हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा। अब सिर्फ हमने सॉफ्टवेयर का क्या करना है? ठीक है जी, कोई ना कोई हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा ना कोई एक कंप्लीट सिस्टम आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए जो आपके डेटाबेस को कैरी कर सके। ठीक है जी, तो उसकी भी कॉस्ट है। ठीक है, वो भी आपके पास एक जो है डिसएडवांटेजेस का हो सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हायर प्रोसेसिंग पावर टू रन। क्लियर होगी बात कि आपके पास एक लार्ज मेमोरी आपको चाहिए और इसके अलावा प्रोसेसिंग पावर भी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बगैर आपका जो डेटाबेस है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह फिर उसके लिए आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर भी होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। नंबर थ्री पे जी, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। अब इस बात का क्या मतलब है? अब देखिए ना, अब हर कोई बंदा तो डेटाबेस के साथ जो है वो एनवायरनमेंट उसका नहीं जानता। ठीक है, हर कोई उसके साथ इतना वो फैमिलियर नहीं होता डेटाबेस के साथ, तो आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास टेक्निकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक आपके पास ऐसा स्टाफ नहीं होगा जो डेटाबेस के साथ, जिसने डेटाबेस को स्टडी नहीं किया होगा। अब जैसे कि आप लोग हैं, डेटाबेस के ऊपर आपके 6 to 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपकी हाव नाव हो जाएगी इसके साथ, लेकिन कोई ऐसा स्टाफ है जो इसके बारे में नहीं जानता तो वो इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आप हैं, आप वर्किंग का, आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी, इसकी टेक्निक्स देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, इसके डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, एडवांटेजेस, लेकिन आप ट्रेंड नहीं हैं, तो आपके लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है ऐसे लोगों की जो लोग इस डाटाबेस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको ज़ाहिर है कोई ना कोई कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी, फ्री में तो ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा, तो उसके लिए भी आपके पास आपको जो है वो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस का हो सकता है। उसके बाद जी, प्रॉब्लम्स इन द रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपने जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट है वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी, या आपका ऐसा एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लिया है जो आपके सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, अ डेटाबेस सिस्टम में आल्सो नीड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स रिक्वायरमेंट। द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू द कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। कि अगर आपने पास
आपने कोई ऐसा डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट कर लिया है जिसके लिए आपको चेंजेस में जो है वो मुश्किल हो रही है, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक इंस्टीट्यूट की, अगर हम एक एग्जांपल लें कि आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास उसके अंदर विद इन इंटरवल ऑफ टाइम कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपने ऐसा चूज़ किया है जिसमें आपको वो एनवायरनमेंट उन चेंजेस के लिए आपके पास और बहुत सी जगहों पर चेंज आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट पे जो डिसएडवांटेज है वो है जी नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। अब ये एक बहुत जो है ना ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास डेटाबेस के जितने भी कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं उसमें हर कॉलम की अलग-अलग अलग-अलग उसको डिफाइन किया गया हो। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ मैंने अगर एक टेबल बनाया है, ठीक है, एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, उसमें एक आई डी का कॉलम है, ठीक है, एक नेम का कॉलम है, इसी तरह एक क्लास का कॉलम है, एक एड्रेस का कॉलम है। ठीक है जी। अब ये जितने भी कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को अलग-अलग अलग डिफाइन करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आईडी है तो आईडी पता होगी कि आईडी जो है वो आपके पास इंटीजर फॉर्म में होगी। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरह अगर नेम है तो नेम कैरेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है जी, अगर क्लास है तो क्लास भी कैरेक्टर में होगी। ठीक है जी, या अगर आपके पास एड्रेस है तो एड्रेस भी आपके पास कैरेक्टर में होगा। कैरेक्टर्स में मतलब सारी वो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि उसमें अब कैरेक्टर्स में नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, जबकि इंटीजर में आपके पास जस्ट जो है वो नंबर्स ही आते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की डाटा डेफिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाटाबेस के अंदर। अगर ये नहीं होगी तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर नहीं होगा। ये देखिए ना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, डाटा डिक्शनरी इज़ वेरी यूजफुल टूल बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल एज द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ऊपर तो वही बातें लिखी हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ टेबल के अंदर, कि इस तरह हर कॉलम को अलग-अलग डिफाइन करना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए भी आपको क्या होगा, कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थे डेटाबेस के, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।